नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभी और आप देख रहे हैं टेक अनबॉक्सिंग। सो गाइज, आज हमेशा की तरह हम एक ब्लूटूथ हेडसेट की अनबॉक्सिंग करने वाले हैं और ये कोई नॉर्मल ब्लूटूथ हेडसेट नहीं है, ये है कॉलर ब्लूटूथ हेडसेट। और गाइज, जैसे मैंने इसे देखा, मैंने जल्दी से ऑर्डर किया और गाइज ये रहा उसका रिटेल पैकेजिंग और मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इसे चेक करने के लिए। तो ज़्यादा कुछ टाइम वेस्ट किए बिना डायरेक्टली हम इसे अनबॉक्स करते हैं। तो दोस्तों, ये है एलकेयर का वायरलेस कॉलर हेडसेट और जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे उसकी ब्रांडिंग जो है एलकेयर थंडरबर्ड ब्लूटूथ ईयरफोन। और गाइज यहाँ पे आपको वो एक्चुअल इमेज देखने मिलेगी कॉलर ईयरफोन की। और गाइज यहाँ पे साइड में दिए गए हैं कुछ बार कोड्स, यहाँ पे पीछे की तरफ आपको देखने मिलता है उसका इमेज। यहाँ पे लिखा है 8 आवर्स ऑफ बैटरी लाइफ, यहाँ पे लिखा है 2 ईयर्स ऑफ वारंटी। गाइज यहाँ पे साइड में आपको देखने मिलते हैं कुछ फीचर जैसे कि ये मैग्नेटिक हैस्प, ब्लूटूथ वर्जन 4.2, हैवी बस, स्पोर्टी ईयरफोन, म्यूजिक प्लेयर सपोर्ट है गाइज इसमें और HD माइक्रोफोन। सो गाइज ये सारे फीचर्स आपको इसके अंदर देखने मिलते हैं। और गाइज यहाँ पे अगर मैं MRP की बात करूँ तो MRP मेंशनड है 2295 रुपीज़, बट गाइज ये आपको Amazon पे 1695 रुपीज़ का मिल जाएगा। सो गाइज यहाँ पे अगर मैं पैकेजिंग की बात करूँ तो आप देख ही सकते हो कैसे ये पैकेट मुझे रिसीव हुआ है। यहाँ पे जो सील है उसका वो भी ओपन किया था। सो मैं पैकेजिंग से तो बहुत ही ज़्यादा नाराज हूँ, तो चलिए हम इसे ओपन करते हैं। तो गाइज जैसे मैं इसे ओपन करता हूँ यहाँ पे हमें देखने मिलता है हमारा एक्चुअल कॉलर ईयरफोन। और आप देख सकते हो गाइज यहाँ पे जो है सील इसका पैक था, मतलब ये हेडफोन्स पहले कभी निकाले नहीं थे मेरे हिसाब से, बट पैकेजिंग के हिसाब से तो लग रहा था ऑलरेडी किसी ने ओपन किया है। तो गाइज ये है वो एक्चुअल ईयरफोन, काफ़ी लाइट वेट है, काफ़ी फ्लेक्सीबल है, तो इसे हम रखते हैं साइड में, देखते और क्या है पैकेजिंग में। सो गाइज यहाँ पे हमें देखने मिलता है एक केबल जो है नॉर्मल USB से लेके माइक्रो USB केबल चार्जिंग के लिए। आप देख सकते हो फ्लैट वायर केबल है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी की है और यहाँ पे भी उसकी एलकेयर की ब्रांडिंग दी गई है, तो इसे भी हम रखते हैं साइड में। यहाँ पे हमें देखने मिलते हैं कुछ इंस्ट्रक्शंस मैनुअल और यहाँ पे हमें देखने मिलता है कार्ड जिसकी यहाँ पे लिखा है एलकेयर प्रोडक्ट को 5-स्टार रेटिंग दे दो। सो गाइज ये है उसका यूज़र मैनुअल। और गाइज यहाँ पे हमें देखने मिलते हैं एक्स्ट्रा ईयरबड्स। सो बस यही सारी चीज़ें हमें बॉक्स के अंदर देखने मिलती है, तो अभी हम डायरेक्टली जाते हैं इस हेडफोन्स पे। सो गाइज जैसे आप देख सकते हो ये है वो एलकेयर के कॉलर ईयरफोन्स और काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, मतलब बाकी के कॉलर ईयरफोन्स इतने ज़्यादा फ्लेक्सिबल नहीं होते बट ये काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल है गाइज। और यहाँ पे है उसकी बैटरी, यहाँ पे आपको देखने मिलेंगे बटन। सो यहाँ पे पावर ऑन का बटन, तो हम इसे पावर ऑन करते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे LED ब्लिंक होना स्टार्ट हो चुके हैं, मतलब ये पावर ऑन हो चुके हैं। यहाँ पे है वॉल्यूम अप, वॉल्यूम डाउन, नेक्स्ट, ट्रैक वगैरह सारे बटन्स यहाँ पे, और एक उसकी बैटरी कंपार्टमेंट। और गाइज यहाँ पे है उसके वो हेडफोन्स और आप देख सकते हो मैग्नेटिक ईयरफोन्स है, ये स्टिक होते हैं, मतलब आप जॉगिंग के लिए वगैरह जाते हो तो आपको ज़्यादा ये डिस्टर्ब नहीं करेंगे, बेसिकली स्टिक हो जाएंगे। और आप देख सकते हो इसकी जो लेंथ है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, सो आपको ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं होगा अगर आप कोई भी एक्टिविटी करते हो, और ये आपके कॉलर में ईजिली एडजस्ट होगा क्योंकि ये ज़्यादा फ्लेक्सीबल है गाइज। और गाइज बात करेंगे इसकी बैटरी कैपेसिटी की, तो बैटरी है इसकी 100 mAh की। आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा है 100 mAh की बैटरी है, मतलब आपको ये कंटिन्यूस 8 आवर्स का रन टाइम देगा। सो गाइज अभी हम करते हैं इससे ब्लूटूथ से कनेक्ट। सो गाइज यहाँ पे आप देख सकते हो ब्लूटूथ डिवाइस में LC K3 आ रहा है, तो इसके ऊपर हम लोग क्लिक करते हैं। और गाइज आप देख सकते हो यहाँ पर ये कनेक्ट हो चुका है। सो आप देख सकते हो यहाँ पे LC K3 कनेक्टेड आ गया है। सो गाइज अभी टाइम है इसकी साउंड क्वालिटी चेक करने की और इसका माइक्रोफोन कैसे ये एग्जैक्टली वर्क करता है। सो गाइज अभी टाइम है इसे टेस्ट करने का। और गाइज यहाँ पे मैंने ब्लूटूथ से इसे कनेक्ट किया है और आप देख सकते हो ये है बेसिकली फ्लेक्सीबल और ये कितनी ईजिली मेरे नेक के सराउंडिंग में बैठ जाता है और प्रॉपरली यहाँ पर जो ब्लूटूथ है हेडसेट वो प्रॉपरली यहाँ पर फिट होते हैं। सो गाइज अभी हम देखते हैं कैसे इसकी साउंड क्वालिटी। सो गाइज जैसे मैंने देखा इसकी साउंड क्वालिटी काफ़ी बढ़िया है, इसकी साउंड क्वालिटी है गाइज, मैं आपको यहाँ पे सुनाना चाहता हूँ इसकी साउंड क्वालिटी, आप सुन सकते हो। मैं यहाँ पे वॉल्यूम जो है इसका फुल करता हूँ। सो गाइज यहाँ पे ये है लेफ्ट हेडफोन का साउंड और गाइज ये है राइट ईयरफोन का साउंड। सो गाइज मेरे हिसाब से तो काफ़ी बजट और अच्छी ईयरफोन्स है, साउंड क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है, माइक्रोफोन भी काफ़ी अच्छा है और काफ़ी बढ़िया फ्लेक्सिबल है। गाइज यहाँ पे बस मैं नाराज़ था इसकी पैकेजिंग से, बट खैर कोई बात नहीं, ईयरफोन्स काफ़ी अच्छे हैं।
सो गाइज मैंने इसे खरीदा है अमेजोन से 1695 रुपीज की प्राइस रेंज में। सो गाइज अगर किसी को इन्हें खरीदना है तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दे दूंगा, वहां पे जाके आप इन्हें खरीद सकते हो। और दोस्तों अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसी ही टेक रिलेटेड अनबॉक्सिंग के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। और दोस्तों और एक इंपॉर्टेंट बात, प्लीज़ मेरा फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज भी लाइक कीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।